जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। नवरात्रि का पहला दिन है तो हमने घर में अच्छे से पूजा वगैरह कर ली है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी इन 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों का आपको दर्शन कराऊं। तो पूजा के पश्चात हम चलेंगे माता शाकंभरी के दर्शन के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं माता के दर्शन के लिए। प्रसीद मातर जगतो अखिलाश, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। तुमीश्वरी देवी चराचरस्य जे त्रिशूल मुंड धारिणी, धरा विघात हारिणी, गृह गृह निवासिनी, बजामि विंध्यवासिनी, जामि विंध्यवासिनी। शुंभ शुंभ मर्दनी, त्रिलोक चंद वर्दनी, धारिणी बजामि विंध्यवासिनी, बजामि विंध्यवासिनी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शर्वाधि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमास्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शर्वाधि साधिके, रंगेशो श्रद्धा रूपेण संस्थिता, हर हर शंभु, शंभु। जय माता दी, जय माता दी। गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव, महादेव। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो, नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो आज हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। आपको आपको पता है 9 दिन का नवरात्र है, तो माता के 9 स्थानों के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम माता शाकंभरी से। तो जोर से जयकारे लगाइए, माता जी की जय, शाकंभरी माता की जय। हम लोग को मिल गया है बेर का एक पेड़, जिसमें पीले पीले और लाल लाल बेर फले हुए हैं। सात्विक और मम्मा भाग रहे बेर खाने के लिए। ये लो, बस बेर दिख जाए। मोर है, देखो, लुक एट हियर, मोर। वो गया अंदर, मोर गया। पूरा जंगल है। हाँ, ये पूरा जंगल ही है। और जगह का नाम क्या है? काला खेत। ट्रांसलेट करो उसको इंग्लिश में। काला खेत को है ब्लैक फील्ड। रुक तो जाओ यार, मैं तो आ जाऊं। ओहो, इसमें है बहुत सारे बेर, है ना सात्विक? देखो बेर, देखिए इसमें छोटे छोटे लाल बेर। ये रहा, इस तरफ एक कच्चा है। रुको, आपको मीठा वाला दूं।
इसको रेड वाला देना। इसका बीज है, बीज मत खाना। कैसा, ठीक है? कैसे मीठे? खट्टे। खट्टे? मीठे वाले। जब ये रेड वाले कितने सारे लगे ऊपर देखो। ये हाँ ढेर सारे लगे। कोई मम्मा को चुभी। काटा लग जाता है। साथी बाबा छूना। साथी बाबा छूना। काटा है। काटा बेटा। मिल गए बेर। इतने मैंने चुन लिए। हाँ। हाल को भी धुल दो तो खाते। हाँ नीचे गिर पड़े थे ना। इधर 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 साथी रोड से। तो फ्रेंड्स लगभग 4 किलोमीटर और बचा है माता रानी के दरबार में पहुंचने का। तो हम लोग जस्ट एक प्लेस पर रुक गए हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है। तो हमने सोचा थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बना लेते हैं और फोटो सेशन वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। खाना। सात्विक तो लगा है बेर खाने में ही। ले बेर। और ये मुझे लग रहा है वो पूरा निकल जाएगा। देखो इधर बेर है। ये बेर नहीं है। बेर नहीं बेटा, झाड़ है। इधर है झाड़ है ये। और मैं भी खाने लगी हूँ बेर। यहाँ पे भी वैसे फीलिंग आती है वैष्णो देवी वाले पहाड़ वैसे ही हैं। हाँ मतलब इसी हिसाब से फीलिंग तो वही आती है कि जैसे आप जाते हो तो टेढ़े मेढ़े रास्ते। सच नहीं रोड पे नहीं, रोड पे नहीं। बदमाशी तो चलो इसकी बदमाशी देखो। रुकता नहीं है बस एक जगह। बस भागना भागना करना रहता है। देखो चीची लगी हुई है। ये देखो चीची है। ची यक। इधर चलो। कहाँ जा रहा है? चले साथ पे। चले ये दे। चले बेर। अच्छा लगा पापा को? बेर अच्छा लगा? ये पकाना इसे इसे बोल बोल। बेर पसंद है? बेर पसंद नहीं आया। पसंद ला दो मम्मा को। देगा भी नहीं। और चलो आज चले। पसंद है भाई। चलो निकले। उसको पकड़ो पकड़ो उसको। रुक जा तू। आज तू गया मेरे हाथ से। आज तू मेरे हाथ से गया। और कहाँ गया तू लड़के? रुक जा तू। रुक जा तू छोरे छोरे। रुक साथ में। रुक जा रुक। हे दोस्तों तो फाइनली हम आ गए हैं कोट बांध की तरफ। और आप पीछे देख रहे हैं मेरे यू बांध है। उसका नजारा देखिए पीछे पहाड़ियों का। अंदर जाएगा फोन ना पता चलेगा। साथी कहाँ जा रहा है? ट्रैकिंग करने जा रहा है। ट्रैकिंग करने जा रहा है। चलो थक गए सात्विक? क्या व्यू है मस्त देखो। कौन बोल सकता राजस्थान है ये। हाँ ये कोट डैम ही है आपका जो अभी हम नीचे से आपको इसकी पिक दिखा रहे थे। ज्यादा बड़ा नहीं ये रहा डैम। डैम यहाँ है। पानी रोक रखा है पूरा उस तरफ तक। हाँ। और बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है। इधर पिकॉक भी है। हाँ। पिकॉक है। मम्मी को तो पता ही नहीं है। नहीं पता मुझे। सात्विक ने बताया। इधर पिकॉक भी है। जम्बूरी है।
क्या वो बंद है क्या? बंद है क्या? सात्विक, हर हर शंभु, हर हर शंभु, जय जय शंभु। शंभु दिखते ही थे उसके बस। ये तो शंभु का भक्त है। भक्त है। जय जय ना अपन इधर से भटक के आ रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। देखो नहीं दूर है। ये बीच में लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा है राम, लिखा है राम। ये राम पत्थर है और ये कभी डूबता नहीं है। ये वो पानी पे तैर रहा है। पर ये स्पेशल टाइप का पत्थर कुछ वो वाला है। तो वहां बांध में पाया हुआ है। हैं इस पे पाया था? नहीं नहीं, इस बांध के अंदर ही। अच्छा, बांध के अंदर भी मिला था। ओके, ये मिला पब्लिक। हम्म, बोले फिर से बोलते हैं। हो गया काम पूरा? हाँ जी, डैम का कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा बोला, विदुर का पेड़ बोला? हाँ, विदुर की बेल। विदुर की बेल है ना, बड़ी प्यारी लग रही है। मामा साबाश। वो सबसे अच्छी बात है, इसमें से पत्ते उत्ते गिर भी नहीं रहे, वो सुंदर भी लग रही है। पापा की तरफ देखिए, पापा की तरफ देखिए। लड्डू नहीं, इधर देखो पहले। इधर देखो जी है। तो फाइनली दोस्तों, माता के दरबार में हम पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार माता रानी का। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप सबको माता रानी के दर्शन कराते हैं। चलिए आइए चलते हैं। जय माता दी। साथ में मम्मा चलेगी साथ। दोस्तों माता के दरबार में पहुंच गए हैं और आप पीछे देख रहे हैं मंदिर है, उसके सामने प्रसाद वगैरह की दुकान है। तो चलिए आइए चलते हैं, आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। बागू आपका।
सांसें रुकती नहीं है, इसकी पूरे बॉडी में स्प्रिंग मटकता है। रुक जाओ ये सातवें, अब रुक जाओ दो मिनट सातवें, खुद तो खा लेते सातवें, खुद खा रहा है सातवें। तो माता के भंडारे लेने के बाद में हम ऊपर आ गए हैं मुनि आश्रम की तरफ, तो चलिए आइए आप लोगों को वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्यारा है ये आश्रम, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, तो चलिए आइए दर्शन करते हैं हम लोग मुनि आश्रम के। नहीं ऊपर निकाल लें, तो दोस्तों फाइनली माता रानी के दर्शन भी हमें अच्छे से हो गए, हमें भंडारा भी मिल गया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक और तीर्थ स्थल पर, एक और माता रानी के मंदिर पर। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल माता रानी के एक और स्वरूप के दर्शन के लिए, तो बोलिए जोर से जय माता दी, जय माता दी।